कोविड आ गया लाइक सब इवन सबकी मैं सबकी बोल सकता हूँ सर आप भी सब कौन होगा जो कोविड में परेशान नहीं होगा सही बात है तो वो मेरे लिए परेशानी से कुछ ज़्यादा बड़ा डाक था मतलब तो लाइफ आपकी नॉर्मल हो रही थी वापस सबसे बड़ा एक होता है ना ब्रेक भगवान जहाँ खुशियाँ देना चालू करता है वहाँ फिर आपको एग्जामिन करने लगता है कि तू ज़्यादा हवा में तो नहीं है उन्होंने मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे से छीन ली मेरी माता जी फिर मैं ब्लैकआउट हो गया था मैंने अब मैं क्या करूँगा अब तक तो तू तो कर रहा था क्योंकि तेरे को कोई हिम्मत देने वाला था अब तुझे दो लोगों को हिम्मत देनी है तो कुछ समझ में नहीं आया मतलब इतना ज्यादा कमजोर हो गया था सर कि मैं रो नहीं पा मेरी बहनें रो रही हैं घर में ऐसा माहौल है और मैं सोच रहा था कि करूं क्या मैं था? इनको संभालूं खुद को संभालूं या ग्रोथ पे काम करूं मैं चौके ठीक है करेंगे 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 पापा का नाम लिया भोलेनाथ का नाम लिया संभाला एक महीना गुजर गया दो महीना गुजर गया और हिम्मत नहीं हो रही थी बॉम्बे वापस आने की पैसे भी नहीं इतने कुछ बड़े हुए थे कोविड में सबकी हालत खराब थी उसके पहले मैंने जब तेरहवीं के टाइम मतलब तब भी इतने क्योंकि मैं क्या करता था आपको जैसा बताया स्टार्टिंग से कि मैं आधे पैसे मम्मी को देता था और उस ड्यूरेशन में जब गया गया था तो इलाज में ही जा थे, जाते ही जाते पैसे जाते जाते थे बट सर अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था तभी भाई के साथ था बॉम्बे में मैंने इतनी मतलब मैं सिर्फ मेरी माँ की बात नहीं कर रहा मैं जो माँ होती है जो औरत होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है ना मतलब सोचो किसी को यम दिख रहे हैं चार दिन बाद वो जाने वाला है ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी मौत करीब होती है तो स्वयं यम और दूध आपको दिखने लगते हैं चार दिन बाद उसकी मौत आने वाली है उसको यमराज लेके जाने वाले हैं उस सुबह से मेरे लिए छोले भटूरे बना के मेरे जन्मदिन पर मुझे केक कटवा के खिला रही है मैं वो जो सोचा ना मैंने सलाह इतनी हिम्मत मेरे अंदर आ जाए तो मैं तो दुनिया उथल पुथल कर तो मेरे लिए तो मतलब सबके लिए मैंने कहा अगर तुम्हारे पास माँ आप जो पूछ रहे थे सवाल क्या इंपॉर्टेंस होती है माँ और बाप की तुम्हारे पास माँ और बाप है ना तो तुम्हारे पास ब्रह्म से ज्यादा शक्ति है तो बस वही वो फिर जो मम्मी की स्पिरिचुअलिटी और पावर थी वो मेरी सिस्टर में आ गई मम्मी से आखिरी कॉन्वर्सेशन क्या रही है आखिरी दिनों में मैं था हमारा मतलब ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन खुशी पास हुए मैं बैठता था मैं पैर पैरवैर दबाता था तो मेरे को यही बोलती थी बेटा देख अभी तू इतने टाइम से कर रहा है काफ़ी अच्छा करने लगा है तू कहाँ गया था तू आठ दस हज़ार में आज तू इतना कर रहा है कि सारी चीज़ें हो रही हैं रुकना मत टूटना मत मुस्कान खुशी की टेंशन मत लेना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अब मेरी बच्चियाँ संभाल लेंगी तुझे तेरे काम पे फोकस करना है तुझे बहुत आगे जाना है तू करेगा मुझे भरोसा है वो अभी भी कभी कभी गूंजते रहते हैं सारे वर्ड्स hmm. जब भी मैं कभी भी ऐसे लो फील करता हूँ या मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल कभी शो खराब हो जाता है तो एक बार मेरा एक शो था मैंने नेहा कक्कर के लिए ओपन किया था बॉम्बे में उनका बोरीवली में पहला कॉन्सर्ट था तीस पैंतीस हज़ार लोग सामने थे hmm. और मैं ओपन कर रहा था शो को और वैनिटी वैन में मैं क्योंकि मैंने इतनी ऑडियंस नहीं देखी थी कभी मेरे हाथ पैर काँप रहे थे मैंने मम्मी को फ़ोन किया मैंने मम्मी ऐसा ऐसा सीन है वो बहुत डर लग रहा है तो बोले पागल है क्या बेटा बोले तू इतने तो करता रहता है तू ऑडियंस क्यों देख रहा है तेरे को गाना आता है तेरे को तेरा शो करना आता है तो ये सोच सामने पाँच लोग हैं जो तू करता था ठीक है मैंने शो किया बहुत बढ़िया रहा वहाँ से मेरे वीडियोस वायरल होना चालू हुए क्या हुआ तेरा वादा से लेके वो प्रॉपर कॉन्सर्ट से बहुत ज़्यादा हाइट मिल गया था मुझे बॉम्बे का मार्केट बदल गया था तो है कुछ चीज़ें मेरे को हिम्मत वहीं से मिली फ्रॉम डे वन शायद कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं हिम्मत का